व्हाट इज दिस? अरे लोग तो कदम उठाते, तुमने पूरा घर सर पे उठा लिया। हाँ, इतनी ऊंची छलांग मारना सीख गई तुम? तुम्हें कोई आइडिया है कि इस फैमिली के बारे में सब कितनी टॉकिंग करेंगे, कितना टॉलरेट करेंगे हमको सब? डॉट्स इन लॉ तो ऐसी होती है कि पूरी फैमिली की इज्जत को बचा के चलती है, और तुमने पूरी उछाल दी। ऐसी होती है घर की बहू। मैडम जल्दी चलिए, लेट हो रहा है हमें। डॉक्टर देवश्री, ये चमेली इसी का मेडिकल होना है, आप इसको प्लीज चेकअप के लिए ले जाइए। ओके, आइए आप मेरे साथ आइए। आप आइए। सही है। हे राम जी, काकी माँ, यहाँ अगर इन्हें सब कुछ पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। महारानी को फुर्सत मिल गई अपने बाबा से आकर मिलने की। काकी, वो हम नहीं नहीं शुक्र है, कम से कम फुर्सत मिली तो सही तुम्हें। वो बाबा जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया, जिन्होंने तुम्हें हमेशा सबसे पहले रखा, जिन्होंने तुम्हारे लिए अपने परिवार से यहाँ तक की दुनिया से लड़ गए, उन बाबा को मिलने की फुर्सत तुम्हें आज मिली है ना? नहीं नहीं अच्छा किया, फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, कम से कम आई तो सही। माँ आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आशी कभी भी नहीं भूलती बाबा से मिलने। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रही है वो हम पर। अमित जी की जो हालत है इसी की वजह से। चलो तुम तो। खुश रहो, ईश्वर तुम्हें वो सब कुछ दे जो तुम जिंदगी में चाहते। इंस्पेक्टर, हमें इनके सारे टेस्ट ले लिए, आपको रिपोर्ट सेंड कर दी जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। चमेली, क्या हुआ था कल रात? वो कल रात मैं स्टोर रूम गई कुछ सामान रखने, तो आगे क्या हुआ? तो राघव जी आए, उन्होंने गेट बंद कर दी, फिर हमारे साथ। क्या तुम्हारे साथ क्या? खुलकर बोलो चमेली, क्या किया उसने? कैसे सवाल कर रही आप इसे? और क्या डिटेल्स चाहिए आपको? मैडम, हम तो बस अपना काम ही कर रहे हैं, अब इनके साथ जो हुआ है उसके बाद स्टेटमेंट्स तो देनी ही पड़ेंगी ना इनको। इसकी हालत देख के समझ में आ रहा है आपको? बैठो तुम। एक औरत होके आप औरत का दर्द कैसे नहीं समझ सकती है? कल रात इसके साथ जो हुआ है वो बताना तो बहुत दूर की बात है, वो सोच के इसकी रूह कांप जाती होगी, और आप चाहती है कि वो सब बातें ये दोबारा अपने मुंह से बोले, क्यों उसके जख्मों को खुरेत रही है?
हर बार क्यों एक औरत को ये अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? हम आपकी बात, आपके जज्बात समझते हैं, लेकिन हम क्या करें? हम कानून के हाथों मजबूर हैं। ये सब पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी हमें, और अभी तो इसके बहुत हल्के से जख्म कुरे दें। कल को जब ये केस कोर्ट में जाएगा ना, तो वहां पर वकील, मीडिया, पब्लिक सब जानवरों की तरह घूर कर देखेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे लोग, और वकील इससे हर तरह के सवाल करेंगे। तब तो इसे सबके सामने जवाब देना होगा, क्योंकि कानून दर्द को समझता नहीं है, दर्द को देखता है, सबूत मांगता है दर्द का। यहाँ तो आप हमें रोक रही हैं, लेकिन वहां पर कोर्ट में कानून को कैसे रोकेंगी? वकीलों को सवाल करने से कैसे रोकेंगी? और कटघरे में खड़ी चमेली को जवाब देने से कैसे रोकेंगी आप? आशी जी, ये जो लड़ाई आप लड़ रही हैं ना, ये आम लड़ाई नहीं है, एक औरत के सम्मान की लड़ाई है, आसान नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप अंदर कैसे आए? किसने परमिशन दी आपको अंदर आने की? निधि, ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह सिद्ध भाई का कॉल भी आया था और हमें कल रात के बारे में अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे, तब भी हमें लगा था कि कोई तो बात है। हमने पूछा भी, बट उन्होंने तो फोन ही काट दिया। तुम बताओगे ये सब क्या हो रहा है? कल रात मासी जी के बर्थडे पार्टी के बाद चमेली स्टोर रूम में गई थी। राघव ने उसका बलात्कार किया। क्या? आशी, क्या बोल रही है तू? राघव मेरे और कियारा के साथ था, हम तो बॉलीवुड नाइट एंजॉय करने गए थे, पूरा टाइम राघव हमारे साथ था, और तुम कह रहे हो कि राघव घर में इसके साथ? ये सब अरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आशी, जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, बिकॉज राघव हमारे साथ ही था पूरा टाइम। पता नहीं यार दीदी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम लोगों पे विश्वास करे चमेली क्या खुपे? अगर राघव सही है तो चमेली की आंखें भी झूठी बोल रही है। क्या? हे भगवान, इतना बड़ा कांड हो गया। हे राम जी, काके माँ ने सब सुन लिया, अब राम ही जाने ये कैसे रिएक्ट करेंगी। हमने जो सुना वो सच है क्या? मतलब नीलिमा जी के बेटे ने इस लड़की के साथ ये सब? आशी जी, हम चमेली की रिपोर्ट्स आते ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और हाँ, थैंक यू सो मच, आप चमेली का इतना साथ दे रही हैं, उसके साथ लड़ाई कर रही हैं, वो भी अपने देवर के खिलाफ, अपने पूरे परिवार के खिलाफ। आज के समय में कौन एक लड़की का साथ देने के लिए अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाता है? हिम्मत चाहिए सब के लिए। थैंक यू, चलते हैं। अब कुछ बोलोगी? कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे? हाँ काकी माँ, घटा राघव ने चमेली के साथ, हम उसी की जांच कराने यहाँ पे आए थे। घर पे सबको लगता है कि राघव बेकसूर है, पर चमेली की आंखें कहती है कि उसके साथ जो हुआ है वो राघव ने किया है। लड़की जिसकी इज्जत लुट गई हो, वो कभी किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। चमेली की आंखों ने तो गुनहगार को परख लिया है, अब बस पुलिस की जांच पड़ताल हो जाए तो ये मामला पूरा सॉल्व हो जाएगा। बहुत शौक है ना तुम्हें तलवार लेकर मैदान में उतर कर झांसी की रानी बनने का, लोगों की लड़ाई लड़ने का। लेकिन आशी, हम कह रहे तुमसे, ये छानबीन करना बंद करो, समझी तुम? काकी, मर गई तुम्हारी काकी, अपने इरादे भी मार दो अब, समझी तुम? ये जो भी कांड है ना, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें आशी, दूर रहो इन सब से। हम जानते हैं महान बनने का बहुत शौक है तुम्हें, महान बनने के चक्कर में एक चीज भूल रही हो तुम, लेकिन हम नहीं भूले,
अमित जी की वसीयत में साफ साफ लिखा है कि 6 महीने तक तुम्हें और सिड को अपनी शादी खुशी खुशी निभानी है। और अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है आशी, 5 महीने बाकी है। तेरा एक गलत कदम इस शादी को बर्बाद करके रख सकता है आशी, और ऐसा हम होने नहीं देंगे तुम्हारी वजह से। पहले ही हमारा बेटा हमसे दूर हो गया है, अपने ही घर से दूर हो गया है। एक बात याद रखना आशी, 5 महीने पूरे होने तक हम तुम्हें ये शादी तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन काकी, चमेली के साथ जो हुआ है उसे इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। अरे बाद में दे देना इंसाफ, जिसे चाहिए इंसाफ दे देना, जिसके लिए लड़ना है लड़ लेना, लेकिन अभी नहीं, बाद में। जब तक हमारे बेटे की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं हो जाती, उसके हक के पैसे उसे नहीं मिल जाते, तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी। हम कह रहे हैं तुमसे आशी, 5 महीने तक तुम कुछ भी नहीं करोगी, उसके बाद जो मन में आए करना, लेकिन तब तक कुछ नहीं। चलो हमारे साथ। माफ करना काकी, हमने आज तक आपकी हर बात मानी, पर आज नहीं। आज एक लड़की के मान सम्मान की लड़ाई है, इसके साथ इतना गलत हुआ है और हम चुपचाप बैठ के सब देखते रहे। नहीं, हमारा दिल नहीं मानता। हम एक मासूम लड़की को न्याय तो दिला के रहेंगे, फिर चाहे हमारी शादी ही दांव पे क्यों ना लग जाए। विकास फोन उठा। ये विकास फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? क्या कर रही हो आशी? क्यों कर रही हो? क्यों तुम्हें मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं? क्यों तुम्हें हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ? क्यों तुम्हें दूसरों की बात पे मुझसे ज्यादा यकीन? क्यों? सर, बात हुई विकास से? नहीं। Then do something. बात करो उससे, वो ही राघव की बेल करवा सकता है। वैसे तो और भी लॉयर्स हैं, बट यहाँ फार्म हाउस तक कोई भी आने के लिए रेडी ही नहीं। प्लीज डू समथिंग यार। या, I will do. मैं बेस्ट लॉयर लेके आऊंगा अपने भाई के लिए। किसी के पास भी जाना पड़े जाऊंगा, लेकिन अपने भाई को बचा के रहूंगा। हाँ वकील साहब, मुझे आज शाम तक राघव के बेल पेपर्स रेडी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप शहर में नहीं है? Damn, this network. विकास का भी फोन नहीं लग रहा है। Sir, don't worry, we'll do something. अगर we needed help, मैं डैड को कह के मिनिस्टर को कह दूंगी और they can help us. Sir, ये कला क्रिएशन की लॉन्चिंग सर पे है, ऊपर से इतनी बड़ी मुसीबत, अगर ये बात मीडिया में आ गई तो हमारे ब्रांड की लॉन्चिंग पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है हमने इसमें, सब बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, मिट्टी हो जाएगा यार। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा, इस वक्त मुझे बस राघव को बाहर निकालने की पड़ी है, उसके अलावा मेरा दिमाग कहीं नहीं चल रहा। कुछ भी हो जाए, मुझे राघव को बाहर निकालना है। कला क्रिएशन को तो मैं बाद में बना लूंगा। मासी,
में पानी निकले। आदि राघव जेल में है, अगर उसके साथ कुछ चालो माते, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, आई प्रॉमिस, मैं राघव को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने वादा किया है ना, मैं अपना वादा निभाऊंगा। बिल्कुल नीलिमा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमारे नेफ्यू ने बोल दिया ना कि वो कुछ करेगा, इसका मतलब वो जरूर कुछ करेगा। अरे इसकी प्रॉमिसिंग तो कभी फेल होती ही नहीं ना। इस सारा रायता जो है ना वो आशी का फैलाया हुआ है, उसी ने सब कुछ गड़बड़ की है, उसी की वजह से राघव ना अपने जेल में चक्की पीस रहा है। हेलो, आ गई आपकी प्यारी बहुरानी। जाओ अंदर जाके आराम करो। आ गए, बहुत प्राउड फील हो रहा होगा ना कि घर में पुलिस बुला दी, राघव को अरेस्ट करवा दिया, अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बार ये तो सोच रही थी कि उसके बाद इस घर का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा। इन लोगों के चेहरे देखो, इस माँ को देखो, पूरी टूट चुकी है। ये सब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इस परिवार के लोगों के दिल पे तुमने जो बुलडोजर चलाया है ना, उनकी फीलिंग्स का जो मलबा बनाया है, परिवार की इज्जत की जो धज्जियां उड़ाई है आशी, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। क्यों किया आशी, क्यों किया ये? ये तो जैसे तुम्हारा नहीं, ये हमारा भी परिवार है। हम अपने परिवार को दर्द पहुंचाएंगे, तुम्हें क्या लगता है हम अपने ही लोगों का दिल दुखाएंगे, अपने ही लोगों का दम घोटेंगे? अरे दम तो इसका घुटा है, दिल तो इसका टूटा है, इज्जत के चीजें तो इसके फटे हैं। हम जानते हैं आज हम आप सब लोगों को गलत दिख रहे हैं ना, पर एक दिन आएगा जब सच सबके सामने आएगा, तब आप सबको पता चलेगा, सबको पता चलेगा कि हम गलत नहीं थे, हम गलत के खिलाफ थे, हम उसके साथ थे जिसके साथ गलत हुआ था, हम इंसाफ कर रहे थे। जिस दिन वो दिन आएगा ना, उस दिन तक ये परिवार की इज्जत बर्बाद हो चुकी होगी। सिर्फ हमारा दिल कहता है। दिल, दिल, दिल। तुम्हें बहुत यकीन है ना अपने इस दिल पे? तुम्हारा यही दिल इस घर की बर्बादी का कारण बनेगा, देख लेना। सिड, ये क्या कर रहा है? उसका हाथ छोड़। सिड, उसका हाथ छोड़ो, लग रही है आशी को, लग रही है सिड। ये कौन सा तरीका है? तुम होश में तो? ये हमारे घर की बहू है। आशी, सिड ने भी जो कुछ भी किया उसके लिए I'm sorry, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तुम तुम्हारे पैरों में क्या करें। मासी जी प्लीज, लेकिन प्लीज क्या करें मासी? देखो चमेली, गलत जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन
मेरे राघव ने कुछ नहीं किया, उसे प्लीज तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो। उसकी एक गलत फहमी की वजह से राघव की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं का नहीं रहेगा। प्लीज आशी अपनी कंप्लेन वापस, प्लीज प्लीज आशी, प्लीज अवैध करो, मेरा राघव जेल में है। तुम आशी, तुम एक बार नहीं अगर हजार बार कहोगे तो मैं हजार बार तुमसे माफी मांगू, लेकिन मेरा बच्चा है ना सर, उसने कुछ नहीं गलत किया। प्लीज तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो आशी, प्लीज उसे बचा लो, प्लीज एक माँ के बच्चे को बचा लो आशी, प्लीज प्लीज मैं माफी मांगती हूँ तुम्हारे पैर। उठिए प्लीज, इधर आइए। किस पत्थर के सामने माथा पीट रही हैं आप? जिस दिल का ये दावा करती है ना, उसके सीने में है ही नहीं। इसकी जिद इतनी पत्थर है, पत्थर, और इसकी जिद इतनी कट्टर है कि ये पूरे परिवार को ले डूबेगी ना, तो भी इसे एहसास नहीं होगा कि ये गलत है। इसे लगता है जो ये करती है वो सही, खुद ही कोर्ट, खुद ही जज, खुद ही वकील, लड़ाई भी इसकी, फैसला भी इसका। पहले भी तो तुमने यही ना, तुमने हमारे पापा के साथ ऐसा क्यों किया मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा, क्यों? आशी जी, हम आपका दर्द समझते, आपकी तड़प समझते। नहीं आशी, नहीं, तुम मेरा दर्द समझ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम एक माँ नहीं हो, तुम्हारी एक औलाद नहीं है। जब एक बच्चे को चोट लगती है ना, तो दर्द माँ को होता है। मेरे राघव ने कोई गलती नहीं की, फिर भी वो वहां सजा भुगत रहा है। मेरा दिल रो रहा है। तुम मेरे दर्द को कभी नहीं समझ पाओगे आशी, कभी नहीं। हम चाहते हैं मासी जी, हम एक माँ नहीं है, पर एक औरत तो है ना, एक औरत होने के नाते हम एक औरत का दर्द समझ सकते। मैं भी चमेली का दर्द समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। चमेली, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मेरा भी दिल कांप उठा है, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी, लेकिन मेरा बेटा राघव ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? आप क्यों समझाएंगी? हम समझाएंगे उसे। नीलिमा जी, हम समझाएंगे आशी को, हम काकी हैं उसकी। अरे, हमने आशी को पाल पोस कर बड़ा किया है। आप चिंता मत कीजिए, आशी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपके परिवार पर कोई आ जाए। और तुम इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों फंसा रही हो तुम राघव को? चंद पैसों के लिए, है ना? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बताओ हमें कितने पैसे चाहिए? सच बताती हो या लगा एक थप्पड़? माँ, काकी, आप ऐसे चमेली पे हाथ नहीं उठा सकती, आप ऐसे उससे सच नहीं निकलवा सकती। दाइमा, आप इसे प्लीज ले जाइए। काकी माँ, आप ये क्या कर रही थी? आपने जो चमेली के साथ बर्ताव किया वो सही नहीं था। तो तुम बताओगी हमें क्या सही है और क्या गलत?
नहीं काकी माँ, हम आपको सही गलत नहीं बता रहे, बात सही है गलत की नहीं, बात इंसाफ की है, उस लड़की की है जिसके साथ ना इंसाफी हुई है। चमेली के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो दिल से कितनी बुरी तरह से टूट गई है, और आप पापा मेरी अभी एक वकील से बात हुई है, उसने मुझे मिलने बुलाया है, उसके लिए हमें शहर जाना होगा। सिट बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। अगर आप लोग जा रहे हैं तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँ? हाँ सर, नथिंग इज अवेलेबल एट द आउटस्कर्ट्स, कोई भी लॉयर यहाँ आने के लिए मना कर रहा है। अगर हम शहर में होंगे तो हजारों चीजें अवेलेबल हो जाएगी, वैसे भी यहाँ नेटवर्क इश्यूज भी बहुत है। हमें तो लगता है ये घर ही मनोज, ये घर कला माँ का मंदिर है। हमारा मतलब है कि सिड तो वैसे ही इस घर में आना नहीं चाहता था, है ना? कहा था ना तुमने? तो मतलब इस घर में कोई ना कोई हादसा हुआ है ना? तभी तो। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ आ ही गए हैं, तो अब देखो जब से आए हो कुछ ना कुछ होते जा रहा है। भाई हम तो कहते हैं कि अच्छा यही होगा, आप सब हमारे साथ लौट चलो हमारे घर। सिंह, मुझे लगता है हमें वापस लखनऊ जाना चाहिए। कह रहा चलो बैकपैक करते हैं। लेट्स डू द पैकिंग। अपनी पैकिंग शुरू करो। कामनी तुम भी चलो। शुक्र है राम जी का, सब वापस घर चले तो ही अच्छा है, कम से कम वहां हम आशी पे नजर तो रख पाएंगे, कहीं ये लड़की कोई ऐसा काम ना करे जिसका नुकसान हमारे कुणाल को भरना पड़े। हाथों में हाथ एक दूजे के पास, हमें याद तो रहना चाहिए ना।
देखो मम्मा, ये मैं, ये आप और ये पापा, हम तीनों एक साथ रहेंगे। हाँ। और खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, है ना? सेठ, कहाँ गया? कहाँ चला गया ये लड़का? कहाँ है? देख, मैंने तुझे बहुत ढूंढ लिया, अब सामने आ जाना। नहीं आएगा तो मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। नहीं मम्मा, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। देखो, तुम जानते हो हम कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ हमें सहता नहीं, सच हमसे छिपता नहीं। हमारा यकीन करो, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमें सच में कोई गलत फहमी नहीं हुई। गलत फहमी? तुम्हें कोई गलत फहमी नहीं हुई? आशी, तुम ना बस अपने दिल की सुनती हो। फिर वो सच हो या झूठ, तुम्हारे दिल को सच लगे तो सच, वरना सब झूठ। दिल की बात हमेशा सच होती है ना सिर्फ। दिल की बात अगर सच होती ना तो आज मैं और तुम हम होते। हमारी जिंदगी में जो इतने तूफान है ना वो कम होते। दिल का कनेक्शन आत्मा से होता है, इसलिए दिल से निकली हुई हर बात सच होती है। यही तो प्रॉब्लम है आशी, तुम्हें आज भी अपने दिल पे इतना यकीन है और कल भी था जब मैं गलत नहीं था और तुमने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वो इल्जाम नहीं था, वो भी सच था। आज हमारे बाबा जिस हालत में है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। हमसे शादी करने के लिए तुमने बाबा को इस हालत में डाल दिया। झूठ, सब झूठ। तुम्हारे बाबा के कहने पे कुणाल से बचाने के लिए तुमसे शादी की मैंने। हमें हासिल करने के लिए तुमने शादी की है, तो कैसे शादी की हमसे? धोखा, धोखा, धोखा। दिल चीर के दिखा दूं? हाँ, दिखा सकते हो, दिल चीर के दिखाओ। वाह शिवा, अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ आके खड़ी हो जाती ना, पूरी दुनिया से लड़के भी एक बार को मैं जीत जाता, लेकिन अगर तुमसे लड़के भी जीत गया ना तो भी मेरी हार ही होगी। अगर तुम सही होते ना तो आज हार के भी जीत जाते। यही तो प्रॉब्लम आशी, तुम्हें मुझ पे पहले भी यकीन नहीं था, आज भी यकीन नहीं। अगर तुम सही होते ना तो हम यकीन तो छोड़ो, पूरी दुनिया के खिलाफ जाके तुम्हारे साथ खड़े होते। खड़ी हो जाओ फिर। तुम्हारे बाबा ने कुणाल की असलियत मेरे सामने लाई थी, मुझे बोला कि तुम्हें बचा लूं, पर वो तो सुना ही होगा कि किसी के अच्छे के लिए किसी को झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। तुम तब भी मेरे खिलाफ थी, इसलिए मैंने सहरे की आड़ में छुप के तुमसे शादी की, और तुम्हें पाने के लिए तुमसे शादी नहीं की, कुणाल से बचाने के लिए तुमसे शादी की। नहीं, तुमने वो किया जो तुम्हें सही लगा, वरना डंके के चोट पे हमसे शादी करते। क्यों सबके सामने कुणाल का सच नहीं बताया? हाँ, क्यों नहीं बताया कुणाल का सच? अगर मैं तुम्हें बता भी देता ना तो भी तुम्हें यकीन नहीं होता। हाँ, डंके की चोट पे शादी कर सकता था, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा वहां होते तो, जिनकी वजह से तुमसे शादी की मैंने, लेकिन वो वहां नहीं थे। बाद में पता चला कि उन्हें चोट लगी। पर वो चोट उन्हें तुमने दी। नहीं, हाँ, हमसे शादी करने के लिए तुमने बाबा को चोट दी, और ऐसी चोट दी कि हमारे बाबा आज तक जिंदगी में वापस ही नहीं आ पाए। हमारी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर ही दी। तुम्हारी जिंदगी तो तब बर्बाद होती जब तुम्हारी शादी कुणाल से हो जाती। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई आशी। बर्बाद होने से बचाई नहीं है, हमें बर्बादी में फंसा दिया। ऐसा फंसाया कि हम आज तक सुकून भी नहीं जी पा रहे। सुकून तुम्हें मिल जाता अगर तुमने मुझ पे थोड़ा यकीन किया होता, लेकिन नहीं, तुम्हारी नजरों में तो मैं विलन हूँ, और तुमने तो कसम खा रखी है कि कुछ भी हो जाए इस पे यकीन नहीं करना। पहले तुम्हारी वजह से मेरा प्यार बर्बाद हुआ था, आज तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो रही है। बात तो हम हुए सेठ, पर ऐसे बर्बाद हुए ना कि आबाद होते होते पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर तुम हमारी जिंदगी से नहीं निकलोगे। चाहेंगे देखा आशी, अभी तुम्हें चोट लग जाती, तुम मेरा विश्वास करो या ना करो,
जब भी तुम पे मुसीबत आई है मैंने तुम्हें बचाया है, आज भी बचाया है और हमेशा बचाता रहूंगा, फिर चाहे मेरा दिल चाहे या ना चाहे, मैं हर कदम पे तुम्हारे काम आता रहूंगा। ये बात और है कि तुमने कभी मेरा यकीन नहीं किया, तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। आशी, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। धोखा तो तुम खुद अपने आप को दे रही, मुझे इतना गलत समझ रही हो, इतना गैर, लेकिन सच तो ये है आशी कि तुम्हारा सबसे अपना मैं ही हूं। नहीं सिर्फ तुम हमारे अपने नहीं हो, कितना भरोसा किया था तुम पे सिर्फ, पर सच कहते धोखा वही देता है जिसमें सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चले जाओ सिर्फ, हमसे दूर चले जाओ, चले जाओ। जब भी तुम्हारे पास आते हैं ना, जाने क्या हो जाते हैं हमें, चले जाओ। चाहता तो मैं भी यही हूं आशी कि तुमसे बहुत दूर चला जाऊं, लेकिन क्या करूं, हमसे अपने बच्चे की हालत देखी नहीं जाती, उसे बचा लो बेटा, प्लीज उसे बचा लो। बाबा से किया हुआ एक वादा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसलिए आशी। चाहते हैं सिर्फ हर मुसीबत में तुम हमारा साथ दोगे, पर हम भी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचेंगे, कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। शायद तुम देख नहीं पाए, हम आज भी तुम्हारे परिवार के साथ ही खड़े, भले सबको लगे कि हम उनके खिलाफ हैं, पर हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और आगे भी सही ही करेंगे। चमेली, तू बिल्कुल घबराना मत, हम है ना तेरे साथ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तेरे गुनहगार को सजा मिले और तुझे इंसाफ।
हमें यहाँ आशीष शर्मा ने बुलाया, मिस्टर राघव के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है उन्होंने। चमेली का बलात्कार करने का चार्ज लगाया है उस पर। एक माँ के बच्चे को बचा लो आशी, प्लीज प्लीज प्लीज। मनोज मेरी ब्लैक कॉफी। सिट। सिट, तुम ठीक हो? काश मैं ठीक होता आशी। हमारे बीच भले ही कितना ही कुछ हो गया हो, लेकिन एक वक्त था जब हमारे दिल में प्यार था, लेकिन अब हमारा रिश्ता क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। सब बदल गया है, हमारे दिल में जो प्यार था मर गया हो, लेकिन एक चीज है जो मेरे दिल में हमेशा रहेगी, मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत। आशी, मैंने तुमसे जितना प्यार किया था ना, मैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे रिस्पेक्ट करता था। मुझे लगता था तुम में थोड़ी अकल है, सही गलत को समझने की परख है, जो करोगी सही करोगी, लेकिन आशी इस बार तुम सही नहीं हो। सिर्फ जैसे हम तुम्हें हमेशा सही लगते थे ना, वैसे ही तुम भी हमेशा हमें सही लगते थे। ऐसा लगता था जैसे जैसे तुम जो भी करते हो हमेशा सही होता है, लेकिन नहीं, इस बार नहीं। इस बार हमारा दिल भी कहता है तुम बाइस्ट हो, एक तरफा हो। सच तुम्हारे सामने है फिर भी तुम नहीं देख पा रहे, या शायद तुम देखना नहीं चाहते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दिल को जो सही लगता है वो हमेशा सच होता है क्या? तुम जो करती हो वो सही करती हो आशी, इस बार तुम गलत हो और तुम्हारी गलती की सजा मेरे परिवार को मिल रही है। तुम्हारे दिल को जो सही लगता है वो हमेशा सच होता है आशी, इस बार तुम गलत और तुम्हारी गलती की सजा मेरे परिवार को मिल रही है। शर्मा के कजन राघव शर्मा को पुलिस ने रेप के चार्जेस में हिरासत में ले लिया है। राघव शर्मा पर आरोप लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ शर्मा की पत्नी आशी शर्मा है। बता दें कि सिद्धार्थ शर्मा का भी एक ब्रांड लॉन्च होने वाला था, कला क्रिएशन। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सनसनी खबर के बाहर आ जाने के बाद ब्रांड लॉन्चिंग पर क्या असर पड़ता है। हेलो ऑफिसर, आप ये खबर मीडिया में कैसे लीक कर सकते हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, ऐसी खबरें छुपाए से नहीं छुपती हैं, आग की तरह फैलती हैं। और फिर आपका परिवार तो लखनऊ का सबसे जाना माना परिवार है, तो मीडिया तक तो बात जानी थी ना। क्या हुआ सर? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे बहुत फर्क पड़ता है। बाय द वे, थैंक यू सो मच,
तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे परिवार की बदनामी मीडिया में जम के हो रही। आज की ताजा खबर, मेरी और मेरी फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद, जो कि तुमने बर्बाद की है। लिमा जी टेंशन मत लीजिए आप, हम कह रहे हैं ना आपसे, देखिए रिपोर्ट आपके बेटे के हक में ही आएगी। आज हमारे कला क्रिएशन की प्री लॉन्च पार्टी है और ये बात आग की तरह मीडिया में फैल गई है कि हमारे घर के बच्चे को पुलिस पकड़ के ले गई, उस पे बलात्कार का चार्ज लगा है। जब ये बात लोगों के बीच में पहुंचेगी तो हमारे नाम और इज्जत की बड़ी थूतू होगी नीलिमा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये प्री लॉन्च पार्टी ही कैंसिल कर दें। नहीं 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 जीजा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। इस प्री लॉन्च पार्टी के लिए हम लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया है और ये सिड का सपना है, तो इसे लास्ट मिनट कैंसिल करना सही नहीं होगा। हेलो इंस्पेक्टर, रिपोर्ट्स आ गए। क्या हुआ, क्या है रिपोर्ट्स में? नीलिमा बोलो क्या हुआ, क्या बात है? मासी प्लीज बताइए रिपोर्ट्स में क्या है। सेठ, राघव के रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। वो बेकसूर है, पुलिस को उसके सैंपल्स में कुछ नहीं मिला। नीलिमा ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमने तो बिफोरिंग ही सेट कर दिया था, वो लड़की एक नंबर की लाइज है। अरे हम तो कह ही रहे ये सब ऐसे अटने की चाल है बस, और कुछ नहीं। ऐसे कैसे? हेलो इंस्पेक्टर, रिपोर्ट्स में क्या आया है? आशी जी, रिपोर्ट्स में राघव का कोई भी सैंपल या फिंगरप्रिंट्स नहीं आए, ना स्टोर रूम में कुछ मिला है और ना ही चमेली के शरीर पर। यहाँ तक कि रिपोर्ट में ये भी आया है कि चमेली के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे कैसे? हो गया, मासी की बात पे विश्वास नहीं हुआ तो इंस्पेक्टर से बात कर ले। इंस्पेक्टर ने कहा ना रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, रिपोर्ट्स पे भी विश्वास नहीं हो, अभी तुम्हें राघव गुनहगार लग रहा है, अभी राघव के खिलाफ जाना है? हम किसी के भी खिलाफ नहीं जा रहे थे, हम बस उसका साथ दे रहे थे जो हमें सही लग रहा था। सही नहीं थी वो, सही मेरा भाई था, मेरा परिवार था। सारे सबूत शुरू से चीख चीख के कह रहे थे कि राघव बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन नहीं, तुमने किसी अपने की बात नहीं सुनी, किसी गैर लड़की के कहने पे जाके घर में पुलिस ले आई। चमेली ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा भाई राघव बेकसूर है और ये सच साबित हो चुका है आशी, फॉर गॉड्स सेक तुम ये सच मान लो। आप आशी देखो, तुम दूसरों की बात मानो गलत नहीं, लेकिन एक बार अपने परिवार की बात भी तो तुम्हें सुननी चाहिए। एनीवे, जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ कि अब हम सब प्री लॉन्च पार्टी एंजॉय करें। राघव भी वापस आ रहा है तो डबल सेलिब्रेशन होगा, सो नो आर्ग्यूमेंट्स, नो बहस, नो रोना धोना, आप सब पार्टी की तैयारी कीजिए। आशी तुम भी।
जी मासी, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके राघव को ले आता हूँ। क्या हुआ भाभी जी, जांच में क्या आया? साबित हो गया ना कि राघव जी नहीं? नहीं, नहीं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। पुलिस को राघव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। और तो और उन्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। छोड़िए। भाभी जी, ये जख्म तो ताजा है ना? क्या ये जख्म साबित नहीं कर सकते कि हमारे गुनहगार राघव जी ही है? कितनी अजीब दुनिया है ना भाभी जी, लड़की के साथ गंदा सा गंदा अत्याचार क्यों ना हो जाए, और उसे वो साबित करने के लिए सबूत दिखाना पड़ता है। जिस जख्म का कोई सबूत ही नहीं है, क्या हम उसे साबित नहीं कर सकते? बताए भाभी जी, हम जब अपने आप को आईने में देखते हैं ना, हमें अपने आप से इतनी घिन आती है। वो जब उस रात राघव जी हमारे साथ वो सब कर रहे थे, हमें तब भी अपने आप से इतनी घिन आ रही थी ना भाभी जी। हमने हर एक निशान को पानी से, साबुन से घिस घिस कर साफ करने की कोशिश करी, पर वो साफ ही नहीं हो रहे हैं भाभी जी, क्योंकि वो जख्म हमारे शरीर पे नहीं, हमारी आत्मा पे लगे हैं। गंदा हमारा शरीर नहीं हुआ है, हमारी आत्मा हुई है, हमारी शख्सियत हुई है। समझ नहीं आ रहा किसका साथ दे, राघव का जो हमारे परिवार का हिस्सा है, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, या फिर तुम्हारा जिसके पास दर्द का एक सच तो है पर उस सच को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं। कैसे अजीब लोग हैं, पार्टी करने का सिर्फ बहाना चाहिए इनको। राघव तू आ गया, so happy. कैसा है? I'm good. Welcome back home. I missed you all. I missed you, mom. देखा, मैंने कुछ नहीं किया। I told you ना, reports पे भी कुछ नहीं आया। I just hope अब भाभी मुझ पे शक नहीं करेगी। I just hope अब मुझे वो अपना छोटा भाई मानेगी। लेकिन भाभी है कहाँ? मुझे नहीं पता। नहीं पता? नेफ्यू तुम्हें तो नोइंग होना चाहिए ना, तुम्हारी वाइफ है भाई वो। बुआ जी, मैं कॉल करके देखता हूँ।
Shall we start? Yes. Guys, let's have a press conference session first. बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे. Okay. चलो. सिट बेटा, आओ. सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं. जी. आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है. आज मेरी माँ कला के नाम पे ये कला क्रिएशंस लॉन्च हो रही है. आई एम फीलिंग लाइक मेरी माँ यहीं गई है, मेरे आसपास. ये आशी कहाँ चली गई? हे राघव. तुम ठीक हो? देखो, माना आशी ने तुम्हारे साथ गलत किया, बट उसकी कोई गलती नहीं है. वो बस चमेली के बहकावे में आ गई, इसलिए ये सब. इट्स ओके. I understand के बाबा की कोई गलती नहीं है. वो तो सिर्फ वही करी थी जो उन्हें सही लगा या फिर जो सही दिखाया गया. Cheers. I welcome you all to the new beginnings of Kala Creations. So, Mr. Siddharth Sharma, इस ब्रांड को लॉन्च करने के पीछे आपका आइडिया क्या है? ये ब्रांड मेरी माँ के नाम पे, जिनसे मैं बहुत प्यार करता था. मेरी माँ अपना नाम ही जी रही थी. कला, ये उनकी ही कला है जो मेरे परवरिश में, मेरे संस्कारों में दिख रही है. आशी, कहाँ हो तुम? हमने तो सुना है आपका बिजनेस आपकी वाइफ आशी जी हैंडल करती हैं, पर वो इस पार्टी में दिख नहीं रही. कहाँ है वो? हाँ, सारे गेस्ट को और मीडिया को आप अकेले संभाल रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में जो हादसा हुआ था, जो मनमुटाव चल रहे हैं, उसकी वजह से वो नाराज हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फैमिली ने गुस्सा होकर उन्हें इस बिजनेस से हटा दिया, या फिर वो खुद ही आप लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो ये प्री लॉन्च अच्छे से हो जाए इसलिए वो प्रार्थना कर रही है. जैसे वो रेडी होंगे वो नीचे आ जाएंगे. आप लोग प्लीज जाओ, पार्टी इंजॉय कीजिए. सही नहीं है. आशी को पता था आज घर में इवेंट है, फिर इसे बिना बताए कैसे जा सकते हो? हाँ, आशी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आशी ऐसे जा कहाँ सकती है? मुझे पता है वो कहाँ है. वो वापस चमेली से ही मिलने गई है. सिड, मुझे ना ये आशी समझ में नहीं आ रही. पहले इसने राघव पर ब्लेम किया, उसके ऊपर इतना वाहियात इल्जाम लगाया, और तुम्हारी वाइफ उसी लड़की को बिलीव कर रही है. आशी, एक लड़की में बिलीव कर रही है क्योंकि वो खुद एक लड़की है. बस मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस ये पार्टी करनी है. ये पार्टी अच्छे से सेलिब्रेट हो, बस वही ठीक है. ये हमारे प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, और ये आशी वो यहाँ है ही नहीं. जरा फोन करो उसे और देखो कहाँ है वो. जी, मैं देखता हूँ. आशी,
आशी जी, आपके हस्बैंड ने इतना बड़ा ब्रांड लॉन्च किया है, कहाँ थे आप? आशी कहाँ थी इतने तक? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। Come on guys, ये अभी तो आई है। Please give her some time. अब बहुत जल्द एक अमेजिंग सा डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। So just enjoy it. Come आशी। इतनी आइडल जोड़ी है, एक डांस तो बनता है। Guys, let's have a round of applause for the lovely couple. सताया तूने आंखों को, जाने हमारी मुलाकातें हो, प्यार वाली बातें हो, शबनमी रातें हो, जाने नैना। कहाँ गई थी चमेली से मिलने? सिर को कैसे पता चला कि हम चमेली से मिलने गए थे? अब भी तुम्हें लगता है मेरा भाई गुनहगार है? या भी क्लियर हो गया? कोई शक है अभी भी? मैम, मैंने आज सुबह राघव सर का न्यूज़ पढ़ा था और मैं इमीडिएटली अपना ट्रिप कैंसिल करके आई हूँ। बट यहाँ पे तो ब्रांड की प्री लॉन्च पार्टी चल रही है। व्हाट्स हैपनिंग, इज एवरीथिंग ऑल राइट? काजल, डोंट वरी। वो देखो कितने खुश है दोनों। यस मैम। राघव को बार बार किसका फोन आ रहा है और ये इतना परेशान क्यों है? हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही। वेट अ मिनट, आई विल कम। हाँ, क्या हुआ? क्यों बार बार फोन कर रही हो? रात हो चुकी है लेकिन तुम्हारा वादा पूरा नहीं हुआ। तुम मेरे पास आने वाले थे लेकिन आए नहीं, तो लो मैं खुद आ गई, तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। अब तुम बाहर आ रहे हो कि मैं अंदर आ जाऊँ? नहीं नहीं, तुम अंदर मत आना, मैं पैसे लेकर बाहर आता हूँ। ओके, का सामान तो गेस्ट रूम में है, तो फिर ये किधर जा रहे?
सारे पैसे राघव ऐसे छुपा के क्यों लेके आया? कोई तो बातें हमें पता करना होगा। तो बीच में से ही गायब हो जाती है, तो आई भी इतना लेट। दीदी हमें बहुत घबराहट हो रही है, हम बाहर जाके फ्रेश ले लेते हैं। तुझे कोई भी पूछना है तो तू हमें बस बुला लेना, हम यहीं पे है बाहर ही। तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक, हम आते हैं। हाँ हाँ मैंने बोला ना मैं आ रहा हूँ, पैसे मेरे पास ही है, जस्ट वेट फॉर मी, मैं आ रहा हूँ। राघव इतना परेशान क्यों था? का क्या मामला हो सकता है? सिट, आई मस्ट से लोग इस पार्टी से बहुत इंप्रेस हैं। तुम दोनों का डांस वाज हिट, सुपर हिट, फैंटास्टिक। मीडिया वाले तो यही पार्टी से लिखना स्टार्ट कर दिया कि आशी एंड सिट हैज फॉलन इन लव विद ईच अदर। उन्होंने ये भी ऐड किया कि आशी ने राघव के अगेंस्ट जो कंप्लेन की थी वो गलत न्यूज है। उन्होंने ये भी बताया कि इनकी फैमिली में तो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक रिपोर्टर ने तो ये भी ऐड किया कि आशी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, सब कुछ ठीक हो गया है। थैंक गॉड कियारा सब ठीक है, मासी को खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही, मासी ने इतना सफर किया फाइनली। कियारा बहुत अच्छी लड़की, हमारे मुश्किल टाइम में ये हमारे साथ खड़ी रही है, और सिड को भी कितने अच्छे से संभाला है इसने। हे राम जी, कहीं नीलिमा जी सिड और कियारा के लिए तो नहीं सोच रही? नहीं नहीं नीलिमा जी, अभी 5 महीने आशी और सिड को इस शादी में रहना है, तो ऐसा कुछ मत सोचिए। हम नहीं चाहते हमारे कुनाल की जायदाद उसके हाथ से चली जाए। नीलिमा जी, क्या है ना कि हम आपके लिए बहुत खुश हैं, मतलब राम जी की कृपा से आपका बेटा वापस लौट आया घर, कितनी खुशी की बात है। आपके ब्रांड का रीलॉन्च पार्टी भी अच्छे से हो गई, और आपकी इज्जत पे जो दाग लगा था वो भी हट गया, तो हम तो भाई बहुत खुश हैं आपके लिए। वैसे हम मानते हैं कि वो आशी से आप नाराज है, उसने जो किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था उसे, लेकिन क्या करे, नादान है, पहली और आखिरी गलती मानकर माफ कर दीजिए उसे। ये तो किसी को पैसे दे रहे, किसे दे रहे और क्यों? ये आपका है ना, वैसे मानना पड़ेगा आपने बड़ी सफाई से सारी रिपोर्ट्स मेरे खिलाफ जो थी वो सब चेंज कर दी। नाइस, गुड वर्क। ये जो लड़ाई आप लड़ रही हैं ना, ये आम लड़ाई नहीं, ये एक औरत के सम्मान की लड़ाई है, आसान नहीं है। ठीक, इतनी घटिया हरकत, एक बार भी शर्म नहीं आई? एक औरत होके दूसरी औरत के साथ गलत करने वाली का साथ दे रही हो, चंद पैसों के लिए अपने बेटे को बेच दिया। एक लड़की के साथ कुछ गुनाह होता है ना, तो वो इंसाफ की गुहार लगाती है, तुमने उसके इंसाफ को बेच दिया। हमने तो सोचा था कि चमेली की इज्जत पे जो दाग लगा है तो वो दाग मिटाने में हमारी मदद करोगी, तुमने तो सबूत ही मिटा दिया। क्या करें मैडम, ये पैसे का वजन होता ही इतना भारी है, अच्छे अच्छों को नीचे गिरा देता है। वर्दी वाली हो तो क्या हुआ, इस पेट को भूख तो लगती है ना। खैर अब क्या ही बोलो, चलती हूँ। ओह,
अब तो आपको सब कुछ पता चल गया, अब क्या होगा? भाभी जी, अब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आएगा। हम लेके आएंगे, हम सच बताएंगे सबको, सबको बताएंगे कि गलत तुम हो, चमेली नहीं, गुनहगार तुम हो। चमेली के इज्जत पे हाथ डाले, बहुत कोशिश की थी ना तुम सब लोगों ने हमें गलत साबित करने की कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमें कोई वहम हुआ है। अंडे और गुमराह नहीं कर पाओगे। हमारा दिल कहता था, हमारी आत्मा कहती थी कि चमेली सच बोल रही है। गुनहगार तुम हो, और अपना गुनाह छुपाने के लिए तुमने चमेली के माथे पे गुनाह का टप्पा लगा दिया। बहुत सच है तुम, अब तुम्हारा सच सबके सामने हम लेके आएंगे। मासी जी, पापा जी, सबको तुम्हारा सच बताएंगे। फिर तुम सबके सर से ऐसे उतरोगे ना कि सर से क्या, सबकी नजर से उतर जाओगे। यस प्लीज, जाइए, जाके सबको सच बता दीजिए। लेकिन आपकी बातों पे विश्वास कौन करेगा भाभी जी? सर, मुझे राघव कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं मासी, क्या हुआ? वो मेरे कुछ फ्रेंड्स उससे मिलना चाहते थे, लेकिन मुझे राघव कहीं दिख ही नहीं रहा। आंटी, मैंने राघव को कुछ देर पहले बाहर जाते हुए देखा था। ठीक है मासी, कोई नहीं, मैं ले आता हूँ राघव को। थैंक यू, थैंक यू सर। भाभी जी, आप रुक क्यों गई, क्या हुआ? जाइए ना, जाके सबको सच बता लीजिए। अरे जाइए जाइए, बोल दीजिए सब। ओके, मैंने ही चमेली के साथ गलत किया, मैंने ही रिपोर्ट्स बदलवाई, मैंने ही उसको गलत साबित किया, मैंने ही सबकी आंखों में धूल झोंकी। बताइए, जाइए जाइए, सबको बता दीजिए, गो गो। वैसे मैंने जो करना था ना, वो मैं करके आ गया। वो तो मेड है, उसकी बात पे विश्वास कोई नहीं करने वाला। आपकी बात पे विश्वास कौन करेगा? कोई नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा आपकी बातों पर। वो क्या है ना कि मैंने खेल ही ऐसा रचा है कि फैमिली का एक मेंबर भी आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। मेरी मॉम या वो सिड, आपका पति परमेश्वर सिड, आई वॉन्ट टू सी हिज फेस। मैं देखना चाहता हूं कि वो अपनी माँ जैसी मासी के खून के ऊपर विश्वास करेगा या आपके ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है कि आपके और सिड के बीच में जो चल रहा है वो किसी को दिखता नहीं? सब दिखता है मुझे, सब नोटिस किया मैंने। बड़ा रजनीकांत बनी फिरती है ना आप। चलो ठीक है, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, बड़ा डेयरिंग बाज बनती है ना आप। जाइए जाइए, जाके सबको सच सच बता दीजिए मेरे बारे में, मैं भी देखता हूँ कौन विश्वास करता है। ये सब क्या चल रहा है? ओह नो, कहीं सिट ने सब सुन तो नहीं लिया। चल अंदर चल, अब तेरी क्लास लगेगी। मासी कब से ढूंढ रही है तुझे? ब्रो थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर में आता हूँ नहीं, अभी चल चल। वैसे भी लग रहा है मौसम ठीक नहीं है, बारिश आने वाली, आ जा। ओह माय स्वीट एंड लवली आशी, भाभी जी आप कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि उस रात चमेली के साथ मैं ही था, उसके साथ जो किया मैंने ही किया। यू कैन नेवर प्रूव इट आशी, भाभी जी। लेट्स एंजॉय द पार्टी भाभी जी। क्यों रे लड़की, हमारी बरसों की कमाई इज्जत को तूने एक चुटकी में मिट्टी में मिला दिया। जिस घर का नमक खाया वहीं पे नमक हरामी। बिगाड़ा क्या है शर्मा जी के परिवार ने तेरा, जो तूने उसके बेटे पे इतना बड़ा और गंदा इल्जाम लगाया? दादी, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। अब तेरा कुछ भी झूठा सच नहीं सुनना है मुझे। दादी, अब हमारा सामान क्यों पैक कर रहे हैं? क्योंकि आज ही रात तुझे यहाँ से रवाना होना है और अब तू गाँव में ही रहेगी। दादी, हम गाँव नहीं जाएंगे। तो अब तू यहाँ पे भी नहीं रह सकती, समझी? जाइए,
जाके सबको सच बता दीजिए। लेकिन आपकी बातों पे विश्वास कौन करेगा? भाभी जी, क्या ये सच में साबित नहीं कर सकते कि हमारे गुनेगार राघव जी ही हैं? वो क्या है ना कि मैंने खेल ही ऐसा रचा है कि फैमिली का एक मेंबर भी आपके बात पे विश्वास नहीं करेगा। लड़की के साथ गंदा से गंदा अत्याचार क्यों ना हो जाए, उसे वो साबित करने के लिए सबूत दिखाना पड़ता है। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, जाइए जाइए, जाके सबको सच सच बता दीजिए मेरे बारे में। मैं भी देखता हूँ कौन विश्वास करता है। हे राम जी, हमने क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई? चमेली का गुनेगार हमारे सामने घूम रहे और हम उसको सजा भी नहीं दिला पा रहे, किसी के सामने कुछ सच नहीं बोल पा रहे। आशी कहाँ हो तुम? आशी, आशी क्या हुआ? आशी बात क्या है? आशी बात तो बताओ मुझे। देखो मेरी तरफ देखो, क्या बात है, क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ बात बताओगी? सिर्फ वो, हाँ वो राघव। राघव क्या? हमने पार्टी में उसको बाहर जाते हुए देखा था, हम उसके पीछे पीछे गए तो हमने देखा कि राघव वो पुलिस ऑफिसर को पैसे दे रहा था, उसको रिश्वत दे रहा था। वो पुलिस ऑफिसर जिससे सारे सबूत इकट्ठे किए थे चमेली के खिलाफ। हमें बहुत बुरा लग रहा है, उसने सारे सबूत मिटा दिए, सारे गवाह मिटा दिए। हम क्या करेंगे? हम चमेली को कैसे इंसाफ दिलाएंगे? सिर्फ अभी चमेली। हेलो हेलो चमेली, चमेली आई एम रियली सॉरी, हमने तुम्हारी बात। भाभी जी, दादी ने हमें घर से निकाल दिया, अब हम क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी जी, हम कहाँ जाएं? चमेली तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करते हैं, ठीक है? सिर्फ वो दाइमा ने चमेली को बाहर निकाल दिया, आधी रात को कहाँ बाहर जाएगी? हम एक काम करते हैं, हम उसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, खुद को सही साबित करने के लिए और कितनी कहानियां बनाओगे तुम? सिर्फ कहानियां नहीं बना रहे, सच भी नहीं है। और कान खोल के सुन लो आशी, चमेली को मैं इस घर में नहीं लाऊंगा, झूठी है वो। झूठी चमेली नहीं, झूठा तुम्हारा भाई है, उसने सारी रिपोर्ट्स बदली, सारे सबूत मिटा दिए, सबको चमेली के खिलाफ कर दिया। ओह सीरियसली आशी, राघव ने रिपोर्ट्स बदल दी? पहले राघव पुलिस कस्टडी में था, बाद में कार में मेरे साथ, और तुम कह रही हो उसने रिपोर्ट्स बदल दी? सिर्फ हम सच कह रहे हैं, प्लीज हमारी बात का विश्वास करो। हमने खुद राघव को देखा था, वो उस ऑफिसर को पैसे दे रहा था, राघव ने खुद एक्सेप्ट किया हमारे सामने कि उसने ये सब कुछ किया चमेली के साथ। सिर्फ हमारी बात का विश्वास करो, ये सब कुछ, ये सबूत मिटाना, ये सब कुछ राघव ने किया है। कम ऑन आशी, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। देखो जो सच था वो साबित हो चुका, लेकिन सर हम शट अप आशी, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप नीचे चलो, मेरे फ्रेंड्स है, मेरी फैमिली है, वेट कर रही, मेरी बीवी हो ना, 6 महीने के लिए ही सही, ये नाटक अच्छे से करो, बीवी हो ना मेरी, साथ खड़े रहो मेरे, नीचे। बेटा सब ठीक है? सब ठीक। क्या हुआ मिस्टर सेठ, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, आपकी वाइफ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? There she is. मैं अपने प्रीति बाबे को लेकर आता हूं।
वैसे मानना पड़ेगा, खूबसूरत तो आप बहुत है। नाउ आई गेट इट, सिड आपका इतना दीवाना क्यों है? चले आशी भाभी। अभी आया। लड़की है ना जिसने नीलम जी के बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया था? पर ये आशीष जी के साथ क्यों है? आशीष जी, ये तो वही लड़की है ना जिन्होंने राघव शर्मा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था? आप इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? और इनके साथ ये बैग, आखिर मामला क्या है? ये हमारी मासी सास और हमारे हस्बैंड का डिसीजन है। चमेली हमारे साथ इसी घर में रहेगी। हमें ऐसे क्या देख रहे? हमारे यकीन कीजिए, हम सही कह रहे हैं। हम मासी जी और सिद की इजाजत से ही इसे यहां पे लेके आए हैं। जरा एक मिनट आओ, मैं तुमसे बात करती हूँ। सेठ,
आशी ने तुझसे इसके बारे में बात की थी, उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा है। हाँ मासी, मेरी बात हुई थी, बट मैंने आशी को स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि चमेली को इस घर में ना लेके आए। ऐसे तो हस्बैंड वाइफ के बीच में मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन अब बात हद से ज्यादा हो गई है। वो तेरी वाइफ है, तुझे पता होना चाहिए वो क्या कर रही है और क्या नहीं। ये आशी भी ना कभी नहीं सुधरेगी। हम यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी शादी 5 महीने और टिक जाए, लेकिन नहीं, ये कोई ना कोई कांड करती रहती है। अरे अपने हाथों से ही अपनी शादी तोड़वाई, अभी देखते हैं इसे। आशी बेटा चलो हमारे साथ। काकी माँ क्या कर रही है? काकी माँ हमारा हाथ दुख रहे, प्लीज छोड़िए। काकी अच्छा, तुम्हारी वजह से हमारे परिवार को, हमारे पति को, हमारे बेटे को जो दर्द हुआ है उसके बारे में क्या? दर्द का तूफान खड़ा करके मन नहीं भरा तुम्हारा, जो आप शादी तोड़ने चली हो। याद रखना आशी, 6 महीने तक तुम्हें ये शादी निभानी पड़ेगी, वरना हमारे बेटे की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। ये सब जानते हुए भी तुम उस लड़की को इस घर में ले आई? काकी माँ, हम जानते हैं आपके लिए शादी कितनी जरूरी है, पर हम चमेली को भी तो ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते ना। चमेली को अकेला नहीं छोड़ सकती तो उसके लिए क्या अपने परिवार को अकेला छोड़ दोगी? अभी इसी वक्त जाओ और उस लड़की को उसके घर छोड़ाओ। सॉरी काकी माँ, चमेली कहीं नहीं जाएगी, चमेली यही रहेगी। हमसे जबान लड़ाएगी? काकी, काकी, जाने दीजिए ना, इसको कितना भी समझाओगे इसको समझ तो आने वाला है नहीं। कर रही तो इसको मनमानी ही है। और तुम इस बार अगर मेरे परिवार का कोई भी तमाशा बनाया ना, या उनको कोई भी तकलीफ दी, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं इस रिश्ते में क्यों हूं। भले ही हम पति पत्नी हैं, लेकिन ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी अच्छे से जानता हूं कि हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। सब जबरदस्ती का रिश्ता है, बाबा की वसीयत के लिए। और याद है ना, अगर 6 महीने से पहले ये शादी टूटी तो बाबा की सारी वसीयत ट्रस्ट में चली जाएगी। और अगर तुमने मेरे परिवार को अब कोई भी दुख दिया तो मैं 6 महीने का रिश्ता भी भूल जाऊंगा। याद रखना आशी। लेकिन सुना, अब जो करना है सोच समझ कर करना, क्योंकि हम ये शादी टूटने नहीं देंगे। आपने तो इनके ऊपर आरोप लगाया, पर रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आया। सच बताइए, आपने सबसे झूठ क्यों बोला? मतलब भाभी अब भी इस लड़की का साथ दे रही है, ये जानते हुए भी कि ये इसने कितना बड़ा झूठ बोला है? I don't understand। आशी इतनी पत्थर दिल और इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? मैं ना इस लड़की से जाकर अभी बात करती हूँ। जरा ठंडे दिमाग से काम लो, पार्टी में इतने सारे लोग हैं, वैसे भी इन लोगों को इस केस पर और आशी पर शक है। अगर तुमने कोई भी एक्शन लिया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, हमारी बदनामी होगी। चमेली हमारे साथ अंदर चलो, चेंज कर लो। पार्टी इज ओवर, थैंक यू फॉर कमिंग। घबराओ मत, हम है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। तुम बहुत भीग गई हो, एक काम करो, तुम चेंज कर लो,
हम तुम्हारे लिए खाना लेके आते हैं, ठीक है? मुझसे इतनी नफरत करती हो आशी कि मुझे तकलीफ देने के लिए मेरे परिवार को तकलीफ दे रही हो तुम? एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे परिवार का दिल टूट जाएगा चमेली को देख के, वो अंदर ही अंदर खून के घूंट पिएंगे? एक बार भी नहीं सोचा? थोड़ा मुझ पे विश्वास कर लेती, मेरे परिवार पे विश्वास कर लेती। विश्वास? विश्वास की बात तुम कर रहे हो? तुमने हम पे कितना विश्वास किया? विश्वास शब्द ना आशी, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। जब मैं चीख चीख के कह रहा था कि मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने किया मेरा विश्वास? तुम उस बात का बदला ले रहे हो हमसे, है ना? अगर तुम्हें हम पे जरा सा भी विश्वास होता ना, तो तुम्हारे दिल में बात दूर दूर तक नहीं आती कि हम तुम्हारे परिवार का दिल तोड़ेंगे, उनका अपमान करेंगे। तुमने अपमान किया है, बल्कि मुझे तो ये लगता है तुमने मुझसे बदला लिया है। सच में सिर, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने तुमसे बदला लिया है? अपनी शादी का हिसाब बराबर कर रहे हो? ये था तुम्हारा प्यार, इसे प्यार कहते हो तुम? अगर हमसे प्यार करते हो ना, तो अपनी आंखें खोलो और देखो, जिसे तुम बेकसूर समझ रहे हो ना, वो उस मासूम सी लड़की का कसूर मारे। और इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी उसके माथे पे जरा सी शिकन नहीं है, जरा सा पछतावा नहीं उसको? अगर आज हमने राघव के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया ना, उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। आज जो उसने चमेली के साथ की है ना, कल वो यही हरकत किसी और लड़की के साथ करेगा। हाँ विद्या बेटा, कैसी है तू? नहीं नहीं, हम सब ठीक है यहाँ पर। बेटा बहुत मन लगा कर पढ़ाई करना। हाँ देख, छुट्टियों में घर आ जा कभी। ठीक है, रखते हैं। आपकी चाय। विद्या जी से बात कर रहे थे, कैसी है वो? हमारी तो कब से उनसे बात ही नहीं हो पाई। कैसे होगी बात? दूसरों की लड़ाई लड़ने से फुर्सत मिलेगी तभी तो हो पाएगी ना बात। काकी वो हम तो बस। चुप कर, सुबह सुबह जुबान मत लड़ा हमसे। नाश्ता लगा। यू नो काजल, तुम नहीं थी ना तो मेरा रूटीन पूरा अप एंड डाउन हो गया था। तुम मेरा जितना अच्छा ख्याल रखती हो कोई नहीं रखता। अब कभी छुट्टी मत लेना प्लीज। जय श्री राम मासी जी, आपके लिए जूस। काजल मेरे लिए ग्रीन टी लाना प्लीज। मासी जी, कल रात दाइमा ने अचानक से चमेली को घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारी बहुत अकेली थी, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो हमने उसे यहाँ बुला लिया। अरे छोड़िए ना नीलिमा जी, क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब करिए, नाश्ता कीजिए। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग राघव बेटा। नहीं नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है। क्या रहा, तुम क्या लोगी? आशी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आई विल हैव अ ग्रीन टी। मैम मैं आपके लिए पीने क्या। आशी सुनना, हमारा भी नाश्ता लगा दे, हमें कॉलेज जाना है। ओके दीदी। राघव तुम भी लो ना। भाभी जी, आई हैव मिस्ड योर हाथ के बने हुए गोभी के परांठे। घर पे गोभी नहीं है। कल बनाते हैं। ओके। हमें अभी लेट हो रहा है, रागिनी का नोटबुक रिटर्न करना है, हमारा एग्जाम भी है। ओके नाश्ता बाय 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 राघव। बाय निधि। निधि।
भगवान जी प्लीज हमारे एग्जाम अच्छे से जाने दो, प्लीज 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 हमें अच्छे मार्क्स आने दो, वैसे निधि याद नहीं आने दो, सॉरी हो गया। अच्छा दही चीनी खा के जा, राम जी करे तेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हम निकलते हैं। ये तेरा फोन। निधि सुनना, बोल जल्दी बोल। निधि तू ना राघव से दूर रहे, ठीक, वो अच्छा लड़का नहीं है। आशी राघव अच्छा लड़का है, तू भी मान लेना यार। उस रात पार्टी के बाद राघव हमारे और कियारा के साथ ही था। अच्छा किसी और पे नहीं, हम पे तो विश्वास है ना तुझे, हमें तो जानती है ना तू बचपन से। आशी हम कभी गलत का साथ नहीं देंगे, और अगर कोई गलत करता है ना तो उसको मुंह तोड़ देते, समझे? तो तू भी मौन ले, टेंशन मत ले हमारी, ठीक है? चल बाय, अभी हमें निकल रहा है। बाय 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 बाय, जय श्री राम। निधि हम तुझे कैसे बताए, तू जो सोच रही है वो गलत है, सच तो कुछ और ही है, और ये सच हम सबके सामने लेके आएंगे, बहुत जल्दी। जय श्री राम। विकास प्लीज कुछ भी करो, पर हमारी मदद करो, कोई तो रास्ता होगा ना। देखो आशी, तुम्हारे कंसर्न को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बात को तुम भी तो समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और कानून सिर्फ बातों और इमोशंस पे नहीं चलता, सबूत मांगता है। सबूत तो उसने सारे मिटा दिए ना, मेडिकल रिपोर्ट्स भी एक्सचेंज करवा दी, पर से वो हमें ओपन चैलेंज करे कि हम उसे कभी नहीं पकड़वा सकते। देखो विकास, कोई रास्ता होगा, प्लीज सोचो। देखो आशी, तुम चाहती हो तो हम उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जब तक हमारे पास राघव के खिलाफ कुछ ठोस सबूत नहीं रहेंगे, हम किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे फेवर में कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट अगर राघव ने पलटकर तुम्हारे और चमेली के ऊपर मानहानि का दावा कर दिया तो चमेली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, उसे जेल होगी सो होगी, जुर्माना भरना पड़ेगा, वो अलग। राम जी क्या करें? चमेली आओ, चलो खाना खा लो। देखो तुमने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था, खाने से कैसे नाराज की? अभी जी हम बाद में खा लेंगे। चमेली बैठो उधर। देखो चमेली सॉरी, पर हमें तुम्हारे जख्मों को फिर से कुरेदना पड़ेगा। देखो सच सामने लाने के लिए पूरा सच जानना भी जरूरी है ना। भाभी जो जख्म अभी तक ताजा है उन्हें कुरेदना कैसा? अब पूछिए क्या पूछना है। उस रात जब वो सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ था, तुम ऐसा कुछ भी याद है कि कुछ अलग हुआ हो, कुछ ऐसा जो राघव से जुड़ा हो पर अलग हो? नहीं भाभी जी, मैं कुछ याद नहीं आ रहा है। हमारे पास राघव के खिलाफ कोई सबूत नहीं, बिना सबूत के हम उसका गुनाह साबित नहीं कर पाएंगे चमेली, ना उसे उसके किए की सजा मिलेगी और ना तुम्हें तुम्हारा इंसाफ। भाभी जी वो वीडियो, क्यों कैसा वीडियो? भाभी जी जब राघव वो सब हमारे साथ कर रहे थे तब वो हमारी वीडियो भी बना रहे थे। हाँ यार फांसा तो था, लेकिन बहुत इजीली, और आई शुड से के इनोसेंट बन के बच गया, उल्टा मैंने ही उसको गलत प्रूफ कर दिया। यार मानव मेरे ना फोन की बैटरी लो हो रही है, मैं तेरे को चार्ज करके फोन करता हूँ, ठीक है? चल बाय बाय।
पासवर्ड क्या हो सकता है? राघव, गलत पासवर्ड और क्या होगा? सोच 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 आशी। आशी जी, नीलिमा, NIME, जय श्री राम। तीन अटेम्प्ट थे, दो अटेम्प्ट ऑलरेडी वेस्ट कर दिए। एक और अटेम्प्ट हुआ ना गलत तो ये फोन 15 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा। ऊपर से प्रोटेक्शन आप डाल के रखी है इसने, हमारी फोटो कैप्चर कर लेगा। क्या होगा पासवर्ड? तीसरा अटेम्प्ट आशी, सही पासवर्ड डाल दी। पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, राम जी क्या पासवर्ड? बैड बॉय डालिए, शायद खुल जाए।